सो गाइस नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, स्वागत करता हूँ गाइस अपने YouTube चैनल पे। समझ तो गए होंगे आज हम पहुँच कहाँ गए हैं। देखिए पीछे जरा, इसको बोलते हैं भाई रेड फोर्ट और हिंदी में बोल देते हैं लाल किला। ठीक है सो गाइस, ये बहुत ही फेमस चीज़ है। बाकी उम्मीद करता हूँ यार वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि भाई खूब पसीना निकाल के वीडियो को बनाया जा रहा है। ठीक है तो बने रहिए, चलते फिर आपको आगे लेके। बाय बाय, मिलते आगे। तो गाइज फाइनली आज एक खुशखबरी है यार, कि आज के दिन ना यहाँ पे हमें मिला है ये फ्री, आज ही ओपन है, इसका कोई टिकट नहीं है, तो आप अंदर आए फ्री ऑफ कोर्स। सो चलिए लेके चलते हैं यार, इसमें देखते हैं अंदर क्या। यार वैसे यहाँ पे ना घूमने के लिए है भी चीज़ें और नहीं भी, दोनों ही बात है यार, पर ठीक है अभी आ गए हम मुमताज महल में, देखते हैं बढ़ के आगे की मिलता क्या है। बेसिकली ज़्यादातर तो यहाँ पे कैमरे चलाने ही अलाउ नहीं है, हर जगह सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं मिल जाते हैं कि कैमरे मत चलाओ, ये मत करो, वो मत करो, बट स्टिल विल सी लाइक कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं। आ गए हैं दीवाने खास के अंदर गाइस। तो ये एक निजी महल था गाइस यहाँ का ना, जो राजे लोग होते थे उनका ये निजी महल है। देखिए जरा ऊपर यार इसकी सीलिंग कितनी अच्छी है, वुडन टेक्सचर में बनी हुई है, इवन वुड ही है वो। ठीक है बाकी चारों तरफ संगमरमर का पत्थर। और देखिए यार व्हाट अ लवली मोमेंट्स हियर यार, सीरियस लेट्स लुक सो गुड। तो गाइज चलते चलते भाई चले जा रहे हैं, तो गर्मी बहुत ज़्यादा। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आप अंदर नहीं जा सकते यहाँ पे कहीं भी, इन्होंने ऑलमोस्ट हर जगह बंद की हुई है, सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं कि आप यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते वहाँ पे, तो बस घूमते जाओ देखते जाओ और जाते जाओ, ये हैं। ठीक है फिर देखते आगे क्या होता है। तो गाइस देखिए आ गए हैं अब म्यूज़ियम के अंदर, और यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि आप देख पाएंगे यार, बहुत ही भयंकर तरीके से यहाँ पे चीज़ें मर्चेंडाइज की गई है, जिसमें आपको पता चलता है कि किस तरीके की कुर्बानी हमारे जो बड़े पूर्वज रहे हैं वो दे के गए हैं यार देश को आज़ाद कराने में। ठीक है गाइस तो बने रहिए वीडियो में, दिखाते हैं आपको इस चीज़, उससे पहले आपको ये दिखाते हैं यहाँ पे डिस्प्ले लगी हुई है जिसमें आपको लेटर्स मिलेंगे, जैसे पहले मैसेजेस जो कन्वे होते थे। नाइस यार व्हाट अ लवली राइटिंग्स दे हैव। चलिए ठीक है फिर चलते आगे बढ़ते।
तो गाइस यहाँ के अंदर आपको लेके चलता हूँ, चलिए देखते हैं अंदर क्या मिलने वाला है। यहाँ पे हमें मिलेगी टोपियाँ जो कि सुभाष जी की है, INA डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कि डायरीज वगैरह। तो गाइस आपने इस रूम के अंदर आने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जहाँ पे एक राष्ट्रवादी का जन्म, द बर्थ ऑफ अ नेशनलिस्ट, ठीक है, यहाँ पे पता चलता है। सारी दीवारों पे कुछ ना कुछ एक नया मैसेज है यहाँ पे, जो इस पर दिया गया है, एक्सेप्ट फ्रॉम द पर्सनल डायरी ऑफ द जानकीनाथ जानकीनाथ बोस डेटेड जनवरी 23/18/1897। तो आप ये सब देख सकते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे चल रहे हैं प्रोजेक्टर, देखो मेरे पीछे प्रोजेक्टर चल रहे हैं, ऊपर से आवाज आ रही है उन स्पीकरों से, जापान की सिंगापुर पर विजय के साथ ही बोस ने अपना किताब निवेश फेंक और पहला रेडियो प्रसारण किया। मैं सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजी हुकूमत के पतन का ऐलान इंडियन लीजन के माध्यम से एक सेना खड़ी करना और उसका नेतृत्व करना आजाद हिंद फौज की तरफ नेताजी का पहला कदम था। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था, जान जोखिम में डालकर ब्रिटिश सरकार को जन्मा देकर जब बोस जर्मनी पहुंचे तो उन्होंने जर्मन सरकार के साथ कई चर्चाएं की। वे इस बात पर डटे रहे कि जर्मनी को सार्वजनिक रूप में आजाद भारत के लिए अपना समर्थन घोषित करना होगा, क्योंकि वो इटली के साथ ब्रिटेन के खिलाफ खड़ा था। हमें स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना होगा, आप इसके लिए तैयार हो जाइए। इससे यदि हम गुलाम हिंदुस्तान में पैदा किए हैं तो स्वतंत्र हिंदुस्तान में जीवे और मरे, तभी आजाद हिंदुस्तान दुनिया को नए नए संदेश दे सकेगा। आज पृथ्वी चतुर्दिगे दृष्टि निक्षेप करले আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে বর্তমান সময়ে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তা আমাদের জাতীয় প্রচেষ্টার সাফল্যের পক্ষে অনুকূল।